मैंने खुद अपनी आंखों से वो समय देखा जब मैं हॉस्पिटल के गेट पे खड़ा था अपनी बहन को एडमिट कराने के लिए। 3 घंटे तक प्रोसेस चल रहा था। एडमिशन कैसे हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट कैसे हुई वो तो मैं बाद में बताऊंगा। सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे, सबको ये पता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैं पहुंच रखता हूं। उसके बावजूद भी कितने पापड़ बेलने पड़े। सलाह देने के लिए 1000 फ़ोन आते थे, बड़े बड़े लोगों को फ़ोन किए, सिर्फ सलाह मिला, काढ़ा पी लो, भाप ले लो, स्टीम की भी खा लो, रिक्वायरमेंट थी हॉस्पिटल की, लेकिन सलाह के सिवा और कुछ नहीं मिला। मदद किसने किया, जिसको मैं दिन भर आलोचना करता था, जिसकी मैं बैंड बजाता हूँ दिन भर, उस व्यक्ति ने खड़े होकर के मदद करी। और आज के डेट में उसके लिए मुझे मेरे मन में बहुत ही रिस्पेक्ट और सम्मान है। उस घड़ी जो मैं बता रहा था कि 2 घंटे जब मैं करीब खड़ा था हॉस्पिटल के गेट पे, हर 10 मिनट पे एक पेशेंट आ रहा था गाड़ी में, कोई मरने वाला था, कोई मर चुका था, दोनों तरह के लोग आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लाशों के ढेर पे खड़े हैं, हंगामा चल रहा है। मैं ये कह करके ये सब आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सतर्क रहिए, इससे नौबत ना आए, ऐसी नौबत ना आए कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़े। थोड़ा भी लक्षण दिखे, आपको लगे कि थोड़ी सी भी खांसी हो रही है, बुखार हो रही है, तुरंत टेस्ट कराएं। टेस्ट कराएं ना कराएं, वो दवाई जो है एक एडवाइजरी है गवर्नमेंट की, हर स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइजरी मेरे पास भी। तुरंत आप मुझे व्हाट्सअप करें, नंबर लिख लें 7011650068, तुरंत मुझे एडवाइजरी मांगे, मैं तुरंत आपको दूंगा। वो दवाई है, खाएं। और अगर आपने पहले ही दिन इस पे एक्शन ले लिया, आप पहले ही दिन इस पे थोड़ा सा भी केयरफुल हो गए, फिर 99% चांस है कि आप कुछ नहीं होगा, सब ओके रहेगा। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो आपको ये कहते हैं, मुझे भी कहते हैं, अरे कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये तो सब नेताओं का काम है। उनसे ये पूछिए, चलो मैं मानता हूँ नेताओं का काम है, तो उनसे ये पूछिए कि किस दल के नेता नहीं मरे हैं, किस दल के सपोर्टर, किस कौन ऐसा फील्ड है जो ऐसा उसमें फिल्टर किया गया है कि इसी फील्ड के लोग इसमें केवल संक्रमित होंगे और इस फील्ड के लोग नहीं होंगे, इस पार्टी के होंगे, इस पार्टी के नहीं होंगे। ये सब बेकार की बातें हैं, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, इनके चक्कर में रहेंगे नुकसान होगा और ये कुछ नहीं करेंगे। लाश की राजनीति करने वाले ये नेता लाश की खुशबू से खुश होते हैं, इनकी बात में मत आइए। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, कोई नहीं आने वाला है, ध्यान रखिएगा। ये साले कुत्ते हैं, ये कोई नहीं आने वाला है, ये सिर्फ बरगलाते हैं, सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। अपना ध्यान आपको खुद रखना है और खुद रखिए।